एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सब जग फिरे राम न पाया जाए राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया जाए राम न पाया जाए
जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया। सबको कहे के हां राम ना होए, गुर प्रसादी राम मन वसे, ता फल पावे सोए। राम राम सारी दुनिया जप रही है, सारा जगत जप रहा है, बल्कि वेशवा भी जदों नाच करके ते गुर आउंदा ना उथे हाय राम कर दी है। पर वेशवा दा राम जपना, जगत दा राम जपना, ते महापुरशां दा मन करके राम जपना, इदे विच बहुत अंतर है, फर्क है। ब्रह्म ज्ञानी गुरमुख जन महापुरख जदों एक वेरा मुख तो राम कहिंदे हन, ता 7 करोड़ रोम विचों आवाज आउंदी है, सतनाम श्री वाहिगुरु। साडा मन होर है, मुख होर है, लोगां विच अपनी प्रतिष्ठा वधाउण लई असी हर वेले राम राम वाहिगुरु अल्लाह जपी जा रहे हां। बई कोई बंदा ए ना कवे बई ए नास्तक है, हर एक बंदा अदब नाल कवे बई ए बड़ा भगत है, बड़ा गुरमुख है, बड़ा रब दा बंदा है, उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। पर हजूर कहंदे ने जिन्हां ने राम दे नाम नूं अपने आत्मा दी खुराक बना लिया, राम तां जपिया होया उन्हां दा सफल है। राम ओही जप रिहा जो मन करके जप रिहा, दिलों मुहब्बत जिन से ही सचिया, जिन मन होर मुख होर से काढ़े कचिया। जिहड़ा दिलों मुहब्बत करके उस परमेश्वर दे नाम नाल जुड़िया होया है, आख्या उदा राम जपिया, एक वेरा राम जपिया होया अनेक कुला दा उधार कर जाएगा। राम राम ता सारा जगत कर रहा है, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जग फिरे, राम न पाया जाए, 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 राम न पाया जाए।
शब्द भेदिया इन विद्वसिया मन आए नानक आप अमियो है गुर कृपा ते रहा समाए गुर कृपा ते रहा समाए गुर कृपा ते रहा समाए राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया जाए राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया सब जग फिरे राम न पाया जाए राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया जाए नानक आप अमियो है गुर कृपा ते रेहा समाए आपे मिले आ मिल रहा आपे मिले आ मिल सब जग फिरे राम न पाया जाए राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया जाए अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिशय वैकुंठ ना जाना मन विच मैल है ठगी है बेईमानी है ते तीर्थां ते इशनान करदा फिरदा है पाठ करदा फिरदा है दान करदा फिरदा है हजूर कहंदे ने कदे अद्धा दाना बीज दा कदे नहीं उगदा जे साबत दाना होवेगा धरती नू वत्र विच लिया के बीज बोवेगा ता फिर प्रफुल्लित होवेगा और बीज दे दाने नू दो फाड़ कर दईए तो किथे उगेगा तेरे अंतर मैल है काम क्रोध लोभ मोह हंकार वस रहे हन जिस हिरदे विच उत्थे राम दा निवास किवें होवेगा इसलिए अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिशै बैकुंठ नहीं जाना साधु नाम कोई बस्त्रां दा नहीं है कोई गेरवे कपड़े पा के साधु नहीं बन जांदा साधुआं वाले गुण हिरदे विच होवन भगत नामदेव जी वस्त्र धो रहे सन ते थोड़ी दूर ते ही एक पखंडी साधु बैठा है अखां मीच के समाधि ला के बगल समाधि ला के जुड़िया बैठा है इउं जापदा जिवें परमेश्वर नाल इक मिक होया पिया पर अंदरों ताड़ लाई है भई कोई फस जावे एक शहूकार इशनान करन लई आया नदी दे किनारे उसने बस्तर लहा के रखे कुछ माया सी उदे
एक थैली विच ओ भी रख दिती ते ज्यों इशनान करके बाहर निकलिया वस्त्र पहरन लगा ता माया वाली थैली नजर नहीं पई ते मन विच सोचिया भई इस साधु ने की चुकनी है आ जेड़ा कपड़े धो रहा है ना शीम्बा ये ऐसे नहीं चुकी होवेगी ये गरीब आदमी दा कम है ये तो साधु है भगवान दा प्यारा है ये किवें चुक सकदा है ता भगत नामदेव जी नू फड़ लिया उस शाहूकार ने क्यों ये किथे है मेरी थैली जेड़ी तू कढ़ी है मेरी माया वापस कर नहीं तो मैं हुणे कुटवाली विच जाके तैनू अंदर कराऊंगा। बड़ा चिड़किया दबकाया भगत नामदेव जी रब दे रंग विच मस्त होए होए परमेश्वर दे रंग नू वेखदे होए मुस्करा रहे सन कि हे निरंकार तेरी कैसी लीला है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। आ मैनू गरीब समझ के ढेड़ समझ के इसने इंज फड़ लिया जिवें मैं ही चुकी होवे ते हुण तू अपनी कला वरता तू कोई कृपा कर अपने क्योंकि मंदे चंगे असी तेरे हां ते तू साडी लाज रखनी है। बड़े लोग कठे हो गए सेठ कहन लगा इसे नहीं चुकी है किसे होर ने नहीं चुकी ये कपड़े धो रहा सी ते निरंकार दी नेत ऐसी होई के जेड़ा बगल समाद लगा के पखंडी साधु बैठा होया सी ना एक ऐसी हवा दा झोला आया के जेड़ी चद्दर उसने विछाई हुई सी ओ चद्दर जेड़ी है ओ उसने ऊपर जा पई उड़ के ते थल्यों थैली नजर आ गई भई ओ पई है। उच्चारण करो श्री तो ऐसा राम जपया होया तेरा किस काम है भाई जे तू माला दे मनके ते मनका मारी उने माला फेरे ता मन खुशी माला ता इस वास्ते फेरनी सी के मन दा फेर फेर जावे मन संसार वल्लों टुट के निरंकार दे चरना नाल जुड़ जावे ते जे माला फेर के तू लोगां नाल ठगियां करनियां हन झूठ बोलने हन ता फिर इस माला फेरन दा किस काम है। माथे तिलक हाथ माला बाना मथे ते तिलक लान दे नाल और हाथ विच माला रखन दे नाल तू कोई सच्चा भगत ता नहीं बन जावेगा। हजूर दी बाणी कह रही है गुरु ग्रंथ साहब महाराज कह रहे हन माथे तिलक हाथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना राम नू खिलौना ही समझ लिया भाई पहरावा पहनिया भगतां वाला ते भगत बन गए साधु बन गए नहीं साधुआं वाले गुण होवन गए ता तेरा एक वेरा वाहिगुरु आख्या होया एक वेरा राम आख्या होया एक वेरी अल्लाह आख्या होया उदे दरबार विच आवाज पहुंचेगी। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया जाए राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया जाए सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु ए मन ए हो तन नाम है जित सदा सदा सुख होए तोटा मूल न आवई लाहा सद ही होए खाधे खर्चे तोट न आवई सदा सदा ओह दे राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया जाए फिरे राम न पाया जाए राम न पाया जाए।
सीता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। संसामूल ना हो गई हारत कर देना हो, करे नानक गुरमुख पाए जा को नदर करे। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। सत्य नाम वाहेगुरु, सत्य नाम वाहेगुरु, सत्य नाम वाहेगुरु, सत्य नाम वाहेगुरु। आपे सब घट अंदरे, आपे ही बाहर, आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर। जुग शति गुबार कर वस्या, गुर शति गुबार कर वर्तया सुना हर। ओथे वेद पुराण ना शासता, आपे ही नर हर। बैठा ताड़ी लाए आप सब दूही बाहर, अपनी मित आप जानदा, अपनी मित आप जानदा। आपे ही गौहर, आपे ही गौहर, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिसे बैकुंठ न जाना। लोग पति ने कछु न होवे ना ही राम इयाना। पूजो राम एक ही देवा, साचा नाम गुर की सेवा। पूजो राम एक ही देवा, साचा नाम गुर की सेवा। जल के मज्जन जे गत होवे नित नित मेंढक नावे। जैसे मेंढक तैसे एहो नर, जैसे मेंढक तैसे ओए नर। फिर फिर जूनी आवे मनो कठोर, मरे बनारस नरक ना बाशा जाई। हर का संत मरे हड़म्बे, ता सगली शैन तराई। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। कबीर जी गुरु की बाणी विच बख्शिश कर रहे हन। भाई जे तीरथ ते नात्या कल्याण हो जांदी तां आ डड्डू मछियां हर वेले पानी विच इशनान कर रहे हन।
ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਏ। ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਢਕ ਨਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੈਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਆ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੈਲ ਲੱਥੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਲ ਸਗੋਂ ਚੜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਨ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਪਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋ ਪਾ ਚੜੀਏ ਹੋਰ। ਗਏ ਤਾਂ ਸੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਹਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਛੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਗੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਾਵਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਜੋ ਹੜੰਬਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਗਹਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨੋ ਕਠੋਰ ਮਰੇ ਬਨਾਰਸ, ਮਨ ਦਾ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨੋ ਕਠੋਰ ਮਰੇ ਬਨਾਰਸ, ਨਰਕ ਨਾ ਬਾਛਿਆ ਜਾਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਾਖੰਡ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਖੰਡ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਭਗਤ ਜਨ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम कहन में भेद है, महाराज गुरु की बाणी विच बख्शिश कर रहे हन के राम कहन में भेद है। ता मैं एक विचार, हजूर दा बचन है के सोई राम सबे कहे, सोई राम सबे कहे सोई कौतक हार। राम कहन विच बड़ा भेद है, निष्कामता दे नाल कीती होई भगती, कीता होया सिमरन, पता नहीं कितने को गुणा वध फल दायक होंदा है। उच्चारण करो श्री असी तां 15 मिनट जप जी साहब दा पाठ भी करना होवे ना ते उदे पिछे भी लाइन लगी होंदी है मंगा दी, हे वाहिगुरु मेरा आ काम भी करी, मेरा ओ काम भी करी, ऐ कारज भी मेरे सवार दे। फिर उदे दित्ते होए विचों जे तिल फुल गुरु अगे भी रखदे हां ना सी, उदे पिछे भी कितनियां मंगा साडियां होंदियां हैं के दे दे मंगा सह सह गुणा, 1% दे के हजारां गुणा गुरु कोलो मंग करी दी है ते जदों नहीं मिलदी, क्योंकि गुरु ने भी वेखना है कि ए बख्शिश दा पात्र है जा नहीं है। तू जे इस तरह मंगा दी लाइन ला ली, कमाई होवे ना सिमरन होवे ना, ते जे नहीं मिलिया तां फिर मनुख बेमुख हो जांदा है। उच्चारण करो श्री पर राम नाम जपिया उन्हां दा ही है जो एक परमेश्वर दा काम करदे हन के मैं मजदूरी परमेश्वर दी कर रहा, मैं उस दी नौकरी कर रहा। एक ब्राह्मण जो बड़ा संतोषी सी, बड़ा निष्काम सेवा करन वाला सी, रोज मंदिर विच जाके रामायण दा पाठ करना, भगवान रामचंद्र जी दा सुंदर स्वरूप है, नाल लक्ष्मण जी दा, माता सीता खड़े हन, ते उना दे ही चरणा विच फिर हनुमान जी दा स्वरूप बनया होया सी, ते सनमुख जाके रामायण दी कथा करनी, प्रतख समझ के राम जी नू रामायण दी कथा सुनाउनी जाके। ते घरवाली ने कई बेरा कहा महाराज किसे जजमान नू जाके सुनाओ, कोई 4 पैसे तुहानू देवे भी सही, उत्थे चले जांदे हो जिथे कोई है ही नहीं, बैठा ही नहीं कोई, मंदिर दे विच केवल भगवान दीयां मूर्तियां ही हन, इत्थे तुहाडी कथा कौन सुनदा ते कौन उहदी पूजा देवेगा। उच्चारण करो श्री ब्राह्मण कहन लगा ए ओ पंडित सी जिसनू महाराज कहंदे ने सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है, राम नाम सार रस पीवे, तिस पंडित के उस पंडित के उपदेश जग जीवे। नाम पंडित होवे ब्राह्मण होवे ते मन विच लोभ है, ते पंडत्याई लई कलंक दा रूप है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। ये ब्राह्मण हर वेले भगवान जी दा सिमरन करदा है, ते दोनों टाइम सवेर शाम जाके भगवान जी नू रामायण दी कथा सुनाउनी। एक बानिया बिजनेसमैन भी कदे कदे आके कथा सुनदा हुंदा सी, ते भोग पैण तों पहला ही चले जाना, भाई कुछ देना ना पै जावे। ये ब्राह्मण 2 साल कथा सुनाउंदा रहा भगवान जी नू, जदों समाप्ति दा समा नेड़े आया, भाई 1 दिन रह गया, हुण अज दी कथा हो चुकी है ते कल नू भोग पैना है। ये ब्राह्मण तां भगवान जी दी नौकरी दे के चला गया,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਭੋਗ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਖ ਮਜ਼ੂਰੀ ਦੇਤ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਾਂ? ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦੇਈਏ। ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ 2,000 ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਿਵਾ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਾਹਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ 2,000 ਦੀ ਥੈਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਬਈ, ਕੁਝ 4 ਪੈਸੇ ਖੱਟ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਵੇਚ ਆਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਆਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ 2,000 ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਭੋਗ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਆ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਈ। ਉਹ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮਨੁੱਖ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੁੰਡਾਂ ਗੁੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ 2,000 ਦੀ ਥੈਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2-4 ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਬਈ ਇਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੱਤ ਪਕੜ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਤ ਪਕੜ ਲਵੇ ਕਿਤਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਤ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਘਾਬਰ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 1,000 ਹੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੱਤ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬਈ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਊ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਜਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਖੰਡ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ, ਆਖਿਆ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ
मन करके नहीं जपेगा ओ परमेश्वर दी प्राप्ति तैनू किवें होवेगी। इसलिए राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम राम नाम जपन वाले बहुत हन संसार ते, पर पेख साधुआं दा और अंदर ठगी है। जपा तपा दा अहंकार है, दुनिया दे सुखा लई पदार्था लई वेख रहे हन भई कौन कोई आवे ते अपनी पूर्ति करिए दुनिया दे सुख मानिए। हजूर कहते हैं इस तरह परमेश्वर की प्राप्ति नहीं भाई, वो तो हर वेले बंदे से जे पवे विच बंदी, जेड़े असली महापुरख हन संत हन वो अपने आप नू उस दे हुकम विच रस्ते हन, वो अपने आप नू परमेश्वर दी लकीर दे अंदर रखदे हन और उना दी भगती दे पिछे किसे दी मंग नहीं होंदी। उचारण करो श्री बाबा जी दे पास एक प्रेमी रोज दुध लियाउंदा हुंदा सी। एक वेरी बड़ा मायूस बैठा होया, खट खट दी जानन वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महापुरख कहन लगे, क्यों भाई आज बड़ा उदास दिखाई दे रहे हैं। कहन लगा जी एक बंदे नू पैसे दिते सन, जो कुछ मूड़ी सी सब उसनू दे दिती, इतबार कर लिया ते हुण मुकर गया।
कहिंदा जा जो करना ही कर लै, जिथे जाना ही जा लै। ते बाबा जी असी तां तुहाडे कोल ही आके बेनती करनी है ना, साडे तां तुसी हो सब कुछ। महापुर कहन लगे गुरु ग्रंथ साहब महाराज अगे अरदास कर, गुरु की बाणी सब कुछ देंदी है, तू गुरु घर की सेवा कर रहे हैं, आके सिमरन करदे हैं, नितनेम करदे हो, तुसी फिर क्यों घर विच पौजल आवे, फिर क्यों दुख आवे घर विच। बाबा जी ने उसनू किया भाई सहज पाठ रखा दे घर 15 दिनों वाला, ते रोज पाठ सुन, ते नाले पाठी सिंह दी हथी सेवा कर, जदों बैठन लगे तां जल पानी छकाओ, जदों पाठ करके उठे तां उसकी सेवा करो, और पाठी सिंह नू कहो के मर्यादा नाल पाठ करे, उच्चारण करो श्री, सात संगत बोलो श्री। 15 दिन बीत गए पाठ हुंदियां नू, ते सेवक ने आके बेनती कीती, महाराज अजे भी गुरु दे चरणां विच अरदास कबूल नहीं होई, अजे भी वो कोई पैसा मैनू देन नू तैयार नहीं। मैं कई वेरा उहदे घर भी जाके मिन्नत तरला कीता, बड़ा जतन कीता, तां बाबा जी कहन लगे भई जरूर ए मनसा पूरी होनी सी, जिस पाठी ने पाठ कीता ना उसनू बुला के लिया। पाठी सिंह नू बुलाया गया, ते महापुरखां ने सतगुरां दी हजूरी विच उसनू बठा लिया, ते कहन लगे क्यों गुरमुखा तू सारा ही पाठ कीता गुरु ग्रंथ साहब दा? महाराज सारा ही कीता। बाबा जी कहन लगे 900 अंग तो लैके 1100 तक तू 200 अंग छड़ गया, और उस तो बाद तू अगे जाके भी कुछ पत्रे पलट ले, तू पाठ नहीं कीता, ते गुरु महाराज दी हजूरी विच झूठ बोल रहे हैं, जिथे गुनाह बख्शाउने हन उथे झूठ बोल रहे हैं। ता इसका रोन निकल गया, चरना ते टह पिया, महाराज मेरे को भूल हो गई है, गलती हो गई है मेरे को, मैनू खिमा कर दियो, माफ कर दियो, क्योंकि गुरु का हुक्म है गुरु ग्रंथ साहब महाराज नू प्रगट गुरां की देह समझ के पाठ कर, नितनेम कर, गुरु तेरियां चोलियां भरेगा। ते जे असी समझिए ही कुछ ना गुरु नू, ता फिर भाई कराउन वाले दा भी की भला होवेगा, ते तेरा भी की भला होएगा। उच्चारण करो श्री। महापुरखां ने उस प्रेमी नू कोई ऐसा दुर्वचन नहीं किया, पाठी सिंह नू किया इशनान करके और सुचे बस्तर धोते हुए बस्तर पाके महाराज दी हजूरी विच जाना है, और जान लग्या भी अरदास करनी है, जदों पाठ करके उठना फिर भी अरदास करनी है, महाराज तुहाडे सेवक ने जिस मनसा करके पाठ रखाया अपने प्यारियां दी मनसा पूरी करो। ते जदों 15 दिन फिर रखाया पाठ, ते ओ प्रेमी दुध लैके आया बाबा जी दे पास, महाराज पाठ तां हो गया पर अजे भी कम बनया नहीं। ता महापुरख कहन लगे गुरमुखा जा, जिसने तैनू पैसे देने ना ओ तेरी घर इंतजार कर रहा है। उच्चारण करो श्री। है ना, मन करके जपया होया, मन करके जपया होया, ए गुरु के सिख, ए गुरु के लाल, तेरे नाल जाएगा, तेरी सहायता करेगा। जा ओ प्रेमी घर पहुंचया, ता अगे बैठा होया ओ प्रेमी पैसे लैके, जेड़ा गल करन नू तैयार नहीं सी, ओ पैरां ते टह पिया, भाई मैनू माफ कर दे, मैनू खिमा दे दे। ता ओ प्रेमी जिहड़ा रोज दुध लियांदा सी ना, कहन लगा मैं की माफ करना, आ जिन्हां ने कृपा कीती है चल तैनू महापुरशां दे पास लै चलना। बाबा जी दे कोल लियाया, मत्था टेकिया, ते महापुरख कहन लगे गुरमुखा तू ये किस लई पाप करना है? कोई घर वाली, कोई बच्चे या कोई होर संबंधी तैनू छडाउणगे अंत वेले, जदों तेरे कोलों लेखा मंगिया जाना है? सारी जिंदगी की करदा रहा है,
ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ। ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਪਖੰਡ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਰਾਮ ਦ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਰਾਮ ਦ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵੇਂ ਦਰ ਖੜੀਆਂ। ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਰੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਓ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਵਾਹ ਕਬੀਰ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੋਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇੱਕ ਟੀਨ। ਉਹ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਘਿਓ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਤ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾ, ਦੀਵੇ ਬਣਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਸਤ ਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਤ ਵਚਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੱਬਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਪੱਬਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਪੱਬਾ ਭਲਾ ਜੀ ਔਰ ਪੱਬਾ ਪਾਣਾ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਣਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਝੱਟ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ,
जो तुद भावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। पाना मनना बचन मनना, ते जे गलती हो जावे ता फिर तकरार नहीं, भूल मन लैनी। महापुरख क्या करदे सन, ए तीन पब्बे सेवक अपने गुरु अगे पढ़ लवे, पुत्र अपने पिता अगे पढ़ लवे, स्त्री अपने पति अगे पढ़ लवे, ते फिर घर बैकुंठ बन जाएगा। उच्चारण करो श्री वाहे गुरु। कबीर जी ने जदों ये नजारा दिखाया कि पहला मिट्टी मंगवाई, फिर घ्यो विच गुण दे, गुण दित्ती गई, दीवे बन गए। जा भाई जिथों मिट्टी पुट के लियाई शै उथे ही रखा जाके, दीवे रख दिते ता ए जुलाया कहन लगा, ए ता कोई वड़ी गल ही नहीं है। फिर अपने घर आया ते घर वाली नूं कहंदा है, जा जा बाहर जाके मिट्टी पुट के आ। ते घर वाली कहन लगी, सिर विच पाउणी है तू अपने। कहंदा जानी है कि नहीं जानती। दबका मारिया उसने, कहा ठीक है भाई। किते हाथ ना उलारे जाके मिट्टी पुट ले आई, ते कहन लगा हुणी नूं घ्यो विच गुण दे। उच्चारण करो श्री वाह। ओह तां रोण पिटण लग गई, भाई ये पागल हो गया। पहला मिट्टी भी कदे किसी ने घ्यो विच गुणी। लोग कट्ठे हो गए, पकड़ लिया उसनू, भाई तैनू तां कोई भूत चमड़ गया। मौलवी साहब आ गए भूत कढ़न लई, उन्होंने मरचां दी बोझी उसनू चाढ़ी हुई मुख ते। ओ कवे मैनू कुछ नहीं होया, पर वह कहन तैनू भूत चमड़ गया। और मिट्टी विच भी किसी ने घ्यो कदे रलाया। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। कबीर जी लंघ पे, बड़ी लोग कट्ठे होए होए, वो बिचारे नूं मरचां दी बोझी चाढ़ी हुई, ते मौलवी साहब खलोते हुए भूत कढ़न लई। कबीर जी मुस्कुरा के कहन लगे, इसनूं कुछ नहीं है, ला दे इतनी बोझी। कहन लगे, ये साड़ियां ए साड़ी रीश करन लगा सी। उच्चारण करो श्री जिथे भगती होवेगी, सिमरन होएगा प्यारी सात संगत, उथे निम्रता होवेगी। याद रखना, उत्थे किंतु परंतु नहीं, तू तू मैं नहीं होवेगी। जिस घर विच नाम दा निवास है, तो आओ असी मन करके गुरु दे चरणा विच जुड़िया करिए। अपने बच्चियां नूं भी बिठाया करिए, जदों पाठ करदे आं उन्हां दे कन्नां विच भी बाणी दा रस पवे। असी भी जाग के अमृत वेले इशनान करिए, अपना नितनेम करिए। जो भी कोई किसे दा धर्म है, सुभाग है, ओ अपने धर्म विच परपक होवे। जेड़ा अपने आप नूं सिंह सदाउंदा है, अमृत छको गुरु की मोहर लगवाओ, तुहाडा संसार ते आउणा सफल हो जावेगा। महाराज दा बचन है कि सतगुर बाझो गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाओ बुरा। तो आओ गुरु वाले बन के नितनेम करांगे, अमृत वेले जागांगे, गुरु की असंगता दी सेवा करांगे, ता लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। इसलिए गुरु अमरदास पखंड दी भगती नूं निंददे होए की कह रहे हन, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम न पाया जाए, राम न पाया जाए।
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। शिवजी सदा।
जय गुरु जी की। Jesus।